आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोडेड बालू लदे मिनी हाईवा को सनहौला पुलिस ने किया जब्त। भागलपुर जिले के सनहौला थाना अंतर्गत धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोडेड बालू लदे एक मिनी हाईवा गाड़ी नंबर BR10GB9701 को सनहौला पुलिस ने जब्त कर लिया है। मालूम हो कि सनहौला और धोरैया थाना अंतर्गत बराबर यह मामला सामने आ रही है कि कुछ बालू घाट से अवैध रूप से बालू का कालाबाजारी जारी है। इसको लेकर अक्सर यह देखा जाता है कि दिन और रात कभी ट्रैक्टर तो कभी मिनी हाईवा लगातार धड़ल्ले से बालू का परिचालन करते रहता है। दूसरी तरफ धोरैया थाने में सैकड़ों बालू लदे ठेला का परिचालन भी किया जाता है पासिंग लेकर, जो कि बत्सार होते हुए अटपहरा गांव होते हुए सनहौला थाना क्षेत्र में प्रवेश करता है, जो लारन पुल पास करते हुए रमासी के पास निकलता है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि अमरंडा सनोखर थाने क्षेत्र में भी बालू का अवैध कारोबार तेजी से चल रहा है। इसी दौरान सनहौला थाना अंतर्गत से जा रही एक मिनी है को पुलिस ने ओवरलोडेड बालू लदे होने के कारण जब्त कर लिया है और अपने वरीय अधिकारी के पास लिखित तौर पर भेज दिया है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के संगीन में अभी भागलपुर जिले में बालू की कारोबार बंद है, फिर भी दिन हो या रात गाड़ी का परिचालन बंद नहीं है। आखिर यह अवैध बालू का कारोबार कैसे चल रहा है और किसके निर्देश पर चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसमें किसी की मिलीभगत नहीं है तो कैसे चल रहा है? शासन प्रशासन का भी इस पर कोई ध्यान नहीं है। सूत्रों की माने तो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक धड़ल्ले से गाड़ी ओवरलोडेड बालू का परिचालन चालू रहता है। अब देखना यह है कि धड़ल्ले से जा रही ओवरलोडेड बालू लदे बिना चालान के ट्रैक्टर ठेला एवं मिनी हाईवा पर कब तक कार्रवाई की जाती है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें आप लोकल टीवी न्यूज के साथ, सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।